हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में रिव्यू करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट का। ये है ऑर्डिनरी का विटामिन सी सस्पेंशन 23% प्लस एच ए स्पीयर्स 2%। तो इसमें 23% विटामिन सी है, 2% हाइलोरोनिक एसिड है। तो 23% विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा होता है। मैंने पहले भी विटामिन सी सीरम यूज़ किए हैं जो कि 5% 10% यूज़ किए हैं और विटामिन सी मेरी स्किन पे काफ़ी सूट करता है, मुझे इसके काफ़ी बेनिफिट्स मिले। तो अभी कुछ दिन पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी स्किन को थोड़ा सा ज़रूरत है विटामिन सी की, कोई अच्छा विटामिन सी देख रही थी। तो ऑर्डिनरी ये प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, इनके सीरम्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। और जब मैंने ये विटामिन सी सस्पेंशन के बारे में सर्च किया तो इसके रिव्यूज़ वगैरह काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। मतलब नेगेटिव रिव्यूज़ बहुत ही कम थे, सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ थे। तो मैंने सोचा इसको ट्राई करना चाहिए। 23% बिगनर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, पर मैं पहले विटामिन सी यूज़ कर चुकी हूँ और मैं काफ़ी सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा 23% एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। तो ये वाटर फ्री, सिलिकॉन फ्री, स्टेबल सस्पेंशन है। 30 ml का ये पैक आता है। प्राइस इसका 800 है। सी के बेनिफिट्स की बात करूं तो भाई विटामिन सी के कमाल के बेनिफिट्स हैं। विटामिन सी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे कि फाइन लाइंस, रिंकल्स जैसी प्रॉब्लम्स को तो ट्रीट करता ही है, साथ ही साथ एक्ने मार्क्स हुए, पिगमेंटेशन है, डलनेस है, इन सारी चीज़ों पर भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। डार्क स्पॉट, एक्ने मार्क्स, पिगमेंटेशन, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी स्किन में हो गई हैं, इसलिए मैंने इसको लिया और 15-20 दिन इसको यूज़ किया। आगे मैं शेयर करूँगी कि इसने मेरी स्किन पे कैसे काम किया। सबसे पहले इसको अंदर से ओपन करके देख लेते हैं। तो अंदर से इसको ओपन करूँ तो ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है, ऐसे ट्यूब पैकेजिंग में आता है। जो कंसिस्टेंसी है वो क्रीमी, थोड़ी सी लिक्विड की तरह इसकी कंसिस्टेंसी है। विटामिन सी इसमें पाउडर फॉर्म में यूज़ किया गया है जो कि अलग दरदरा आपको इसके टेक्सचर में नज़र आएगा। जब आप लगाओगे तो थोड़ा आपको दरदरा फील होगा पर धीरे धीरे वो सेट हो जाएगा। फ्रेग्रेंस वगैरह इसमें कुछ भी यूज नहीं किया गया है। इसकी आउटर पैकेजिंग में सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको मिल जाएंगे कि कैसे इसको यूज करना है। तो इसका स्मॉल अमाउंट आपको अपने फेस पे लगाना है, एक बार ही इसको यूज करना है। इवनिंग में आप इसको यूज कीजिए, दिन में यूज करने की जरूरत नहीं है। दिन में आपको इस अगर ये यूज कर रहे हो तो सन प्रोटेक्शन लगाना ही है, वरना डैमेज हो जाएगी स्किन। विटामिन सी यूज कर रहे हो तो सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट लगाने पे सेंसेशन बहुत ज्यादा होते हैं तो इसको मिक्स करके लगाइए, अपने मॉइस्चराइजर में मिक्स करके लगाइए। अच्छा, मैं इसको डायरेक्ट भी यूज कर चुकी हूँ और मिक्स करके भी यूज कर चुकी हूँ। दोनों ही तरीकों में मुझे तो सेंसेशन हुआ, थोड़ी सी टिकलिंग होती है, थोड़ी कहना चाहिए 20-30 सेकेंड्स के लिए थोड़ा सा सेंसेशन होता है, फिर सेंसेशन नहीं होता है। तो ये जो विटामिन सी सस्पेंशन है इसको मैंने 15-20 दिनों तक यूज़ किया। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस प्रोडक्ट के साथ, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो फर्स्ट डे मैंने जब इसको लगाया, नाइट में लगाया, दूसरे दिन भाई मेरी स्किन इतनी ग्लोइंग लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी कि पूछो नहीं। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मुझे तो अब सॉल्यूशन मिल गया है, बस इससे मेरी स्किन अब बहुत अच्छी हो जाएगी और सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मुझे मिल गया है। फर्स्ट डे लगाया, स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। सेकेंड डे लगाया, तभी स्किन काफ़ी ग्लोइंग कर रही थी। जब मैंने तीसरे दिन इसको लगाया तो मैं तीनों दिन ना स्टार्टिंग के मैंने इसको डायरेक्ट अपने फेस पे लगाया तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सेंसेशन तो हो रहा था, टिकलिंग हो रही थी थोड़ी देर के लिए। तो डर लग जाएगा आपको, जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो डर लग जाएगा कि यार हो क्या गया, पर वो धीरे धीरे सेट हो जाता है, मतलब कुछ सेकेंड्स के लिए होता है। तो स्टार्टिंग के 3 डेज मैंने इसको डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई किया तो 2 दिन तो मेरी स्किन काफ़ी ग्लोइंग लगी। यार तीसरे दिन मैं आपको इमेज दिखाऊंगी मेरी स्किन के क्या हाल हो गए। मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा हार्श था ये और मेरी स्किन पे हल्के हल्के दाने हो गए, जैसे कि कोई चीज़ आपको सूट नहीं करती है तो हो जाता है ना, वैसा फेस हो गया। मतलब जो दाने भी नहीं थे, कैसा लग रहा था जैसे ये मुझे सूट नहीं कर रहा है। तो 3rd-4th दिन के मेरे ये हाल थे। अब क्योंकि इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है तो मेरा मन था कि मैं इसको थोड़ा लंबा ट्राई करके देखूं,
और क्योंकि इसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो मुझे मन था कि मैं इसको थोड़े दिन ट्राई करूँ। फिर मैंने 3-4 दिन का ब्रेक लिया। इसके बाद मैंने इसको अपने मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके लगाना शुरू किया। मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके लगाने पे मुझे सेंसेशन थोड़ा सा कम हुआ और स्किन काफ़ी ग्लोइंग लग रही थी, क्लियर लग रही थी। पर इसको लगाने के बाद स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली लगती है, बहुत ज़्यादा ऑयली लगती है। मतलब नाइट में तो लगती ही है, दूसरे दिन भी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। ऐसा लगा कि ड्राई स्किन वाले अगर इसको मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके लगाते हैं काफ़ी अच्छे से काम करेगा। कॉम्बिनेशन स्किन वालों पर भी ये काम कर जाएगा। सेंसिटिव स्किन वाले भूल से भी इसको मत लगाना, आपकी स्किन काफ़ी डैमेज हो जाएगी। और ऑयली स्किन वालों के लिए काम तो करता है पर स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली बना देता है। कोई भी अगर इसको यूज़ करना चाहता है तो पेस्ट टेस्ट ज़रूर करना, क्योंकि ये जो विटामिन सी सस्पेंशन है ये हर किसी के लिए नहीं है। ज़रा भी आपने गलत तरीके से इसको लगाया तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। मतलब स्टार्टिंग में मैं भी डर गई थी, पर फिर भी क्योंकि मुझे इसका रिव्यू शेयर करना था इसलिए मैंने इसको आगे फिर कंटिन्यू किया, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं करती। तो ये हर किसी के लिए नहीं है। विटामिन सी सीरम यूज़ करना चाहते हैं थोड़ा कम परसेंटेज का यूज़ कर लो और वो ज़्यादा सही है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, नो डाउट बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी उतने ही हैं। सोच समझ के यूज़ करना अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो। और कोई भी इन्फेक्शन वगैरह स्किन पे ऑलरेडी है तब आप इसको बिल्कुल यूज़ मत करना। और 800 रुपये का ये आता है तो मैं कहूँगी काफ़ी सारे विटामिन सी सीरम अच्छे अच्छे मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, तो उनमें आप इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि चलो हाईएस्ट परसेंटेज यूज़ कर लेते हैं विटामिन सी का, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। मैं नहीं कहूँगी बिल्कुल कि आपको इसको यूज़ करना चाहिए। तो 15-20 दिनों तक मैंने इसको रेगुलर यूज़ किया, पर अब मैं इसको वीक में 2-3 बार यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे खुद डर लगता है कि एवरीडे अगर यूज़ किया फिर से स्किन वैसी हो जाएगी तो क्या करूँगी, डैमेज हो जाएगी तो क्या करूँगी। तो ये इसका ऑनेस्ट रिव्यू था। आप रिव्यूज़ चेक करोगे, इसके इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ हैं, और हो भी सकता है कि बहुत सारे लोगों की स्किन पर इसने अच्छे से काम किया हो। मेरी स्किन पर भी अच्छे से काम किया, पर मुझे इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उससे काफ़ी डर लगा, क्योंकि मेरी स्किन जो तब हो गई थी ना, मैं ही जानती हूँ मुझे कैसा लग रहा था। मतलब बहुत अजीब सा हो गया था फेस, पर वो धीरे 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 ठीक हो गया 4-5 दिन में। तो आप क्यों अपने स्किन को डैमेज करो, ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करो जिसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो। फिर भी यूज़ करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।